हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार फ्रेंड्स आई स्टार्ट करते हैं दिस टॉपिक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन फ्रेंड्स हम जानते हैं कि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट होता है वह क्या होता है एयर होता है लाइक बेल कॉलम साइकिल में हम यूज करते हैं डेट एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन में हम एयर का यूज़ करते हैं ओके हम जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर क्या होता है हर जगह इजीली अवेलेबल होता है एयर को सक करके यूज़ करने में उसका कुछ कॉस्ट नहीं लगता है तो क्या एडवांटेज हो जाएगा फ्रेंड्स एयर इज़ इजीली अवेलेबल एयर इज़ फ्री यह क्या होता है नॉन फ्लेमेबल होता है नॉन क्रोसिव होता है नॉन टॉक्सिक होता है सिंपल इज़ वेरी जो सिस्टम होता है वह बहुत सिंपल होता है द वेट ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज़ क्वाइट लो कम्पेयर टू अदर रेफ्रिजरेशन सिस्टम तो कंपेयर टू अदर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या होता है वेट पर टन बहुत कम होता है यह तो एडवांटेज हो गया डिसएडवांटेज क्या हो सकता है फ्रेंड्स लोअर सी ओ पी कम्पेयर टू अदर रेफ्रिजरेशन साइकिल तो एयर रेफ्रिजरेशन के केस में जो सी ओ पी होता है वह लो होता है अब लो होने से क्या हो जाएगा सी ओ पी अगर लो रहेगा तो रनिंग कॉस्ट क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा द मास ऑफ़ एयर रिक्वायर टू सर्कुलेट इन द सिस्टम इज़ वेरी हाई वेन कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ रेफ्रिजरेसन साइकिल ड्यू टू लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फ्रेंड्स क्या होता है एयर की हीट कैपेसिटी कम होती है कंपेयर टू अदर रेफ्रिजरेंट लाइक वाटर तो अगर हम जहाँ वाटर का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगा अगर हम एयर का यूज़ करते हैं तो लो हीट कैपेसिटी होगा तो लो हीट कैपेसिटी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा मास फ्लो रेट देना पड़ेगा एयर का जिससे जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकें द चांस ऑफ फ्रॉस्टिंग एट एक्सपेंडर इज़ मोर ड्यू टू मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर फ्रेंड्स क्या होगा कि अगर एयर में कहीं मॉइस्चर प्रजेंट है तो कहीं अगर टेम्परेचर कम हो गया बहुत कम हो गया लाइक इन एक्सपेंडर में क्या होता है टेम्परेचर ऑफ द एयर बहुत कम हो जाता है तो मोइस्चर अगर प्रजेंट रहेगा एयर में तो क्या होगा वह फ्रीज हो जाएगा आइस फॉर्म कर लेगा तो जब यह मोइच्चर आइस फॉर्म कर लेगा तो वह कहीं पर जा करके लाइन को चोक कर सकता है वाल्व्स को ब्लॉक कर सकता है तो यह प्रॉब्लम आ सकता है फ्रेंड्स तो दिस इज द डिसएडवांटेज। ओके नाउ अप्लीकेशन अप्लीकेशन ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल जनरली जो है जो है हम एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में करते हैं क्यों करते हैं ड्यू टू लो वेट पर्टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कंपेयर टू अदर रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम ओके फ्रेंड्स तो होप आपको समझ में आया होगा एडवांटेज डिसएडवांटेज इन एप्लीकेशन ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल फ्रेंड्स मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए कमेंट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स थैंक यू